जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माता दी लिखना न भूले, या फिर जय बजरंगबली भी आप लिख सकते हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जीवन का कोई भी क्षेत्र खान पान से लेकर धार्मिक कार्यक्रम हल्दी का प्रयोग किए बिना नहीं रहता है। हल्दी को मसाले के तौर पर घर की रसोई में तो प्रयोग किया ही जाता है, जो खाने के रंग को और खूबसूरत बना देता है। वहीं दूसरी ओर इसका उपयोग धार्मिक रूप से भी किया जाता है, यानी कि सारे धार्मिक उपाय आसानी से हल्दी के माध्यम से पूरे किए जाते हैं, जिससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानी को छोटी सी हल्दी दूर कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी के उपाय के बारे में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय माता दी भी अवश्य लिखें। दोस्तों ज्योतिष की बात करें तो हल्दी के प्रयोग से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम कितने ही सारे ऐसे उपाय हैं जो हल्दी से कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की ग्रह संबंधी धन संबंधी समस्याओं से भी हम सिर्फ हल्दी से छुटकारा पा सकते हैं। हल्दी के पीले रंग से हम अपने जीवन को बहुत ही सुनहरा कर सकते हैं। हल्दी के पीले रंग को धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक ग्रंथों और तांत्रिक उपायों से जोड़ा जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो या किसी को धन संबंधी परेशानी हो तो आपको हल्दी का उपयोग करना चाहिए। हल्दी से उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं होती, धंधा कभी मंदा नहीं होता है। धन आदि धंधे दुकान आदि को मजबूत करने के लिए यह एक रामबाण इलाज बताया गया है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि पीली हल्दी को बृहस्पति ग्रह को मजबूत कैसे कर सकती है। आइए जानते हैं हम कैसे पीली हल्दी से आप सभी के इस बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। आपको एक गांठ वाली हल्दी लेनी है और पीले रंग के धागे में इसे बांध लेना है, और धागे में बांध लेने के बाद अब आप चाहें इसे अपने बाजू में पहने या अपने गले में डाल लें। यह टोटका पीले पुखराज की तरह कार्य करता है, जो बृहस्पति को मजबूत करने में सहायता देता है। अगर आप भी हल्दी धारण करने का मन बना रहे हैं तो इसे आप किसी भी गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की धन संबंधी परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों हम सब ने पीली हल्दी के बारे में तो सुना है, परंतु काली हल्दी भी इस धरती पर पाई जाती है, जिसके बारे में शायद ही कुछ लोगों ने सुना होगा। काली हल्दी का प्रयोग ज्योतिषीय और तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से किया जाता है। यह अनेकों प्रकार के टोने टोटकों को दूर करने में सहायता करती है और हमें दुर्भाग्य से भी बचाती है। आइए दोस्तों हम जानते हैं कुछ आसान और खास उपाय। अगर आप काली हल्दी का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल आपको घर से निकलने से पहले काली हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना है। इसके बाद आप जिस भी काम के लिए निकलेंगे उसमें आपको सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। जिस भी काम पर आप निकलेंगे उसमें आपकी सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत सारा धन कमाया जाए, तो आप अपने पास पीली या काली हल्दी अवश्य रखें। अगर आपके पास धन नहीं रुकता है, अनावश्यक खर्च आपके लगे रहते हैं, तो यह आपको उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा धन संचय होता रहे, धन इकट्ठा होता रहे, इसके लिए आपको एक चांदी की डिब्बी लेनी है। चांदी की डिब्बी आप सुनार के यहाँ से ले सकते हैं। अगर चांदी की डिब्बी आपको ना मिले तो आप माचिस की डिब्बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप चांदी की डिब्बी लेकर आए। इसके बाद आपको चाहिए बस थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के बाद आपको लेनी है थोड़ी सी नाग केसर। दोस्तों अगर नाग केसर ना मिले तो इसके स्थान पर आप साधारण केसर भी ले सकते हैं। अब आपको इसे माचिस की डिब्बी में या फिर चांदी की डिब्बी में इसे रख देना है। इसके बाद आपको इसे रख देने के बाद माता लक्ष्मी को याद करना है और माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श इसे करा देना है। स्पर्श करा देने के बाद आपको इसे वहां रख देना है जहां पर भी आप अपने घर में धन इकट्ठा करते हैं, धन संचय करते हैं, तिजोरी में, अलमारी में, सूटकेस में, बैग में आदि, जहां भी आप अपने घर में धन को रखते हैं उस स्थान पर आपको इसे रख देना है। इस उपाय को करने के बाद आपके उस स्थान पर हमेशा धन रुकने लगेगा, धन संचय होने लगेगा, धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी दूर होने लगेगी। धन आने के जितने भी रास्ते हैं आपकी, उनमें जो भी अड़चने आ रही है वे सभी दूर होने लगेगी, और धन प्रकार की हर प्रकार की धन से संबंधी हर प्रकार की परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक और आसान और खास उपाय बताता हूँ। दोस्तों हल्दी का एक साबुत टुकड़ा ले। दोस्तों ये बहुत ही आसान उपाय है।
इसे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। वह इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों जब भी आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में और वह थोड़ी सी हल्दी मिला लें, तो इससे आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही अगर आप सूर्य को जल देते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो, तो आप आज के बाद जब भी सूर्य को जल दें उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उसके बाद सूर्य को जल देते रहें और देते वक्त अपनी मनोकामना अवश्य मांगे। आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सभी से सूर्य देव से आपको कृपा प्राप्त होने की वजह से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में कभी भी धन की परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद जब आप सूर्य देव को जल चढ़ा दे तो जल चढ़ाने के बाद आपको उस लोटे पर हल्दी लगानी है। या तो आप पहले भी उस लोटे पर हल्दी लगा सकते हैं या फिर जल चढ़ा देने के बाद उस लोटे पर आप हल्दी लगा दें। जब आप उस लोटे पर हल्दी लगा दें तो इसके बाद आप इस हल्दी को आप थोड़ा सा अपनी उंगली से अपने गले और माथे पर जरूर लगाएं। इससे जल्दी ही आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी, हर समस्या दूर हो जाएगी। मात्र अगर आप इस उपाय को एक महीना कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, ना कभी भी आपके कोई काम बिगड़ेंगे और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हर प्रकार की परेशानी जो भी आपको परेशान करती है, जैसे कि बीमारी है, अगर बीमारी से परेशान रहते हैं तो वह भी आपकी दूर हो जाएगी। वास्तु की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है या वास्तु दोष संबंधी सारी परेशानियां हैं तो वह सभी दूर हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी वास्तु संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या कितनी सारी परेशानी हमारे घर में वास्तु दोष की वजह से होती है, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होना, दुनिया भर की परेशानी हमें वास्तु दोष की वजह से भी होती है, हल्दी एक ऐसी चीज है जिसे आप बड़ी आसानी से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करें या पूजा करते हैं उस समय आपको हल्दी का प्रयोग करना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होगी, साथ ही इसके आपके घर के सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। यही वजह है दोस्तों, हम जानते हैं कि मन में जब भी हम भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं उस समय हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि इससे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ऐसा माना जाता है कि नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान किया जाए तो इससे व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है और साथ ही साथ इससे व्यक्ति के पास धन में बढ़ोतरी भी होती है। इतना ही नहीं, आपके आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकती है और आपको कभी भी किसी भी कार्य में अगर आपको भेज दिया जाए तो आप उसमें सफलता प्राप्त करके ही वापस लौटेंगे। जिस भी कार्य में आप जाएंगे उसमें कभी भी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक पीला वस्त्र चाहिए और पीले वस्त्र के साथ ही आपको एक चांदी का सिक्का ले लेना है। अगर आपको चांदी का सिक्का नहीं ले सकते हैं तो आप 1 रुपए का सिक्का भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको चाहिए काली हल्दी। जी हाँ दोस्तों, काली हल्दी, आप काली हल्दी मार्केट से ला सकते हैं या किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त में या शुभ दिन में महासंयोग पर आपको पीला कपड़ा लेना है, उसे जमीन पर बिछा लें। इसके बाद इस पर आपको काली हल्दी रखनी है, उसके बाद इसमें आपको चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपए का सिक्का रखना है। उसके बाद आपको कोई भी धागा लेकर के आपको इस पीले की पोटली बना लेनी है, पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है, इसको आपको बांध लेना है और इसके बाद आपको इस पोटली को वहां रखना है जहां आप धन रखते हैं। आप देखेंगे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी आपके घर में भंडार भरती रहेगी। इसी के साथ अगर आप किसी भी शुभ दिन पर काली हल्दी को और सिंदूर को एक जगह रखते हैं और उसे धूप दिखाते हैं यानी कि उसके पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद आपको उसे लाल कपड़े में लपेट करके उसके साथ 2 चांदी के सिक्के अपने तिजोरी में बांध करके रख दे। इस उपाय को करने से आपके घर में धन वृद्धि होगी, कभी भी आप पर धन संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी, कभी भी आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके व्यवसाय में निरंतर अगर आपको गिरावट आ रही हो या आप नौकरी करते हैं नौकरी में परेशानी आ रही हो तो यह उपाय आपको किसी भी गुरुवार के दिन करना है। आपको पीले कपड़े में काली हल्दी लेनी है, उसमें 11 बार अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और 11 अभिमंत्रित मंत्र, 1008 बार विष्णु मंत्र आपको जाप कर देना है। दोस्तों मंत्र हम आपको बता देते हैं, विष्णु मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप कर देना है और 108 बार यानी 11 माला वो करनी है। 108 बार करने पर एक माला होती है दोस्तों, इस प्रकार से आपको 11 बार करनी है।
तो ये 11 बार अभिमंत्रित हो जाएगी पोटली। जाप कर देते हैं तो इससे आपको वहां पर रख देना जहां पर आप अपना धन संचय करते हैं, धन रखते हैं तिजोरी में, सूटकेस में, बैग में, जहां भी आप रखते हैं वहां पर आपको इसे रख देना है। इससे आपके नौकरी या व्यवसाय में जो भी परेशानी आ रही थी वह दूर होगी। आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और वीडियो में अंत में आप पूरी वीडियो देख चुके हैं तो आप कमेंट लिखें जय बजरंगबली, जय माता दी या जो भी भगवान को आप मानते हैं वो अवश्य लिखें। और दोस्तों मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल में जाता धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जय बजरंगबली।